चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले दी, जिस दे विच चार मुलजमान नूं खरड़ अदालत दे विच पेश कीता जावेगा। मामले दे विच फड़े गए तीन मुलजमान दा रिमांड दस दईए कि खत्म होया है। चौथे मुलजम अरुणाचल प्रदेश तो आर्मी सैन संजीव सिंह दी भी गिरफ्तारी हुई सी ते अज चारा नूं अदालत दे विच मुड़ तो पेश कीता जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले दे विच तीन गिरफ्तारियां तो बाद एक गिरफ्तारी होर हुई अरुणाचल प्रदेश तो आर्मी सैन संजीव सिंह दी, जिसनू अज तिना मुलजमान दे नाल अदालत दे विच पेश कीता जाऊगा। ऐसे मामले दे उत्ते वधेरे जानकारी दे लई साडे नाल सहयोगी मनीष शंकर लाइव साडे नाल जुड़े ने गलबात करांगे। जी मनीष, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले दे विच अज चारा मुलजमान नूं अदालत दे विच पेश कीता जाणा है, कदों इह अदालत दे विच पेशी होवेगी? जिवें अज जिहड़े चार आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी नूं संजीव सिंह नूं जम्मू तों आसान दे साला पेसा तो गिरफ्तार किया गया, उसनू आज मोहाली अदालत में खरड़ अदालत में पेश किया जाएगा। जो सूत्रों तो पता लग रहा है इसनों 12 को ये नेड़े तेड़े इनू इधर मोहाली खरड़ अदालत में पेश किया जाएगा। चारा आरोपियों किया जाएगा तो चारा आरोपियों का रिमांड मंगया जाएगा ताकि इन्हों तू आमो सामने बिठा के पूछगिछ की जा सके। हालांकि DGP पंजाब जिहड़े गौरव यादव वालों बीती देर रात इस आरोपी को पूछगिछ की गई है। उस तो बाद हुण सवेरे लगातार अफसरां का आना जाना लग्या होया है। हुण सिट के मुखी जिहड़े हैगे ने गुरप्रीत कौर दियो जिहड़े हैगे ने उह इस वक्त सदर थाने विच आरोपियों तो पूछगिछ कर रहे हैं, तो उस तो बाद ही इन्हां नूं खरड़ अदालत विच पेश किया जाएगा तो रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि चारों आरोपियों नूं आमो सामने बिठा के पूछगिछ की जा सके ते जिहड़ा असलियत है वो सामने आए। जी मनीष, जानना चाहवांगे कि हुण तक इस मामले दे विच की कुछ सामने निकल के आया कि किसी भी मुलजम दे वल्लों अपना जिहड़ा वो दोष है वायरल वीडियो दा कि वो मन्या गया, वकीलां दा की कहना? जी मैम, नहीं पिछली बार जो अदालत में जो इन्हों पेश किया गया सी तां पुलिस वालों ये दलीलां रखी गई सी कि एक ही वीडियो बरामद हुई है। हालांकि जिहड़े आरोपी के वकील सके जो उन्होंने आपां गल जी मीडिया ने गलबात की तो उन्होंने वालों कहा गया कि एक नहीं दो वीडियोज़ बरामद हुई हैं, एक एक्यूज लड़की की अपनी तो एक किसी होर की हो सकती है। ले इस तो ही कंट्राडिक्टरी एक पैदा हुई तो वो बाद लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है तो पुलिस इस लगी हुई छापेमारी चल रही है। इस रिमांड के दौरान लड़की ने एक गल स्पष्ट की थी कि वो एक संजीव सिंह जिहड़ा कि फौजी ने उन्होंने संपर्क में सी तो अपनी वीडियोज़ उन्होंने भी देती सी। हालांकि जो संजीव सिंह बारे पूछगिछ की गई तो संजीव सिंह जिहड़ा हैगा अरुणाचल प्रदेश तों गिरफ्तार किया गया, वो मूल रूप में जम्मू का वासी है तो हाल वासी चंडीगढ़ का रहने वाला है। जो सूत्रों तो सानू पता लग्या कि जिहड़ी लड़की है वो उससे संपर्क सोशल मीडिया के थ्रू उससे संपर्क में आई सी, उससे ही उन्होंने नंबर एक्सचेंज होए, फिर अगे सिलसिला उन्होंने लव और चलिया, वह बाद अगे सारी जी इन्होंने अपनी हजे जो संजीव सिंह ने हजे तक पूछगिछ दसिया यही दसया जा रहा है कि उसने सिर्फ अपनी ही वीडियो उसनू दिती है। हालांकि पुलिस वालों उसके दोनों मोबाइल फोन संजीव सिंह के दोनों फोन लैके अज अदालत पेश करेंगे तो उन्होंने फोरेंसिक टेस्ट लैब भेजे जाएंगे ताकि डाटा रिकवर हो सके तो होर रिकवरी उसका पता लग सके कि अगे इस होर वीडियोज़ है या नहीं सी जो भी इन्हों का आपसी गलबात हुई है सारी उसे रिकवर की जाएगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस गल ते वधेरे जानकारी देने दे लई। तां बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले दे विच हुण तक तीन मुलजमां तो बाद एक चौथे मुलजम की गिरफ्तारी हुंदी है ते जिहड़ी मुलजम लड़की है उसका साफ तौर पर कहना है कि इस सारे वायरल वीडियो मामले दे विच अरुणाचल प्रदेश तो जिहड़ा आर्मी सैन संजीव सिंह गिरफ्तार किया गया उसका भी नाम सामने आया। हालांकि वह जम्मू का रहने वाला जिहड़ा दस्या जा रहा है ते उसदे चंडीगढ़ दे नाल तार जुड़दे नजर आ रहे ने। तां बाकी होर की इनफॉर्मेशन है पुलिस उही खंगालन दे विच लगी हुई है, कुछ ही समय बाद इन्हां नूं अदालत दे विच पेश कीता जाऊगा।